तो वैभव जी, ये हमारी ऑनलाइन क्लास की पहली क्लास है जिसमें आप सीखने जा रहे हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस। इसको हम बेसिक टू एडवांस की तरफ बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि एमएस एक्सेस डेटाबेस को किस तरीके से हैंडल करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एमएस एक्सेस जो है वो किस पर्पज से और कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसका जानना बहुत जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि एक्सेस यूज फॉर एसएमई डेटाबेस। एसएमई इट मींस स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रोसॉफ्ट खुद कहता है कि इट इज नॉट अ लार्ज डेटाबेस, ये लार्ज डेटाबेस के लिए नहीं बना हुआ है। बिकॉज कि डेटाबेस की बहुत सारे नियमों पे ये नहीं उतरता है, शेयरिंग कनेक्शन बहुत सारी चीजें हैं जिसपे नहीं उतरता है, इसलिए इसने बोला कि सिर्फ स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एसक्यूएल सर्वर ओरेकल ऐसे डेटा को ऐसे डेटाबेस को अफोर्ड नहीं कर सकती, या फिर उनके लिए उतना काम नहीं है, समझे? तो उस केस के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए एमएस एक्सेस डेटाबेस। एमएस एक्सेस डेटाबेस से पहले आप थोड़ा सा आर्किटेक्चर ऑफ डेटा के बारे में जाने। डेटा क्या है, ठीक है? डेटा की डेफिनेशन और डेटा के आर्किटेक्चर को जानना जरूरी है। व्हाट इज डेटा? अगर हम किताबी भाषा की तरफ बोले तो डेटा इज द क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा का सिंपल और सटीक डेफिनेशन है कि डेटा इज द क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हर आदमी के पास अलग अलग डेटा होता है, मतलब कि हर डिपार्टमेंट हर लोगों के पास अलग अलग डेटा होता है। अब एक कंपनी की मान लीजिए, एक कंपनी इसके कई सारे डिपार्टमेंट है, तो इस शुरुआत करते हैं हम एचआर डिपार्टमेंट। तो एचआर डिपार्टमेंट में क्या डेटा होगा? एम्प्लॉय रिलेटेड इंफॉर्मेशन। हाँ, एम्प्लॉय रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब एडमिन के पास जाते हैं, एडमिन के पास क्या डेटा होता है, क्या क्या डेटाबेस हो सकता है भाई? आईटी रिलेटेड कुछ एडमिन नहीं है सर। हाँ ठीक, सेम सेल्स के पास सेल ऑफ प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ क्लाइंट वगैरह वगैरह। अकाउंट के बाद, अकाउंट सेक्शन के बाद अकाउंटेंट डेटाबेस होगा कि कितना सेल्स हुआ, कितना सेल किया, किस कस्टमर के पास कितनी बची है, लाइबिलिटीज कितने हैं, कितने इश्यूज है, कितना कहाँ कहाँ क्या खर्चा हो रहा है। कस्टमर रिलेशनशिप के पास कस्टमर से रिलेटेड डेटा होगा, कौन सा कस्टमर है, क्या है, कैसा है, कौन कितनी लीड्स है, कितने लीड पे कितना सक्सेस है, राइट? ये तो हो गया टाइप ऑफ मतलब डेटा, रोल ऑफ डेटा कि भाई किस जगह पे किस तरह का डेटा होता। तो अलग अलग डेटा पे अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर में डेटा क्या होता है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर में क्या डेटा, तो कंप्यूटर के अंदर में सबसे पहला डेटा होता है जिसको हम कहते हैं नंबर, ठीक है? नंबर। और नंबर के भी कई पार्ट है। सबसे पहला होता है बाइट, राइट? बाइट। नंबर के भी कई सारे पार्ट है, ये टेक्निकली बता रहा हूं कि टेक्निकली क्या है। दूसरा होता है इंटीजर, इंटीजर। तीसरा आपका होता है, वो होता है लॉन्ग इंटीजर, या लॉन्ग कह सकते हैं इसको, राइट? राइट। और चौथा होता है हमारा डबल, जिसको डबल कहते हैं। और नंबर की एक सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन होता है जिसमें हम लोग बुलियन डेटा बोलते हैं, जिसको लॉजिकल डेटाबेस कर सकते हैं। और दूसरा हमारा होता है डेट एंड टाइम, ठीक है? ये नंबर के पार्ट कि आप अगर कोई डेटा स्टोर करने जा रहे हैं, जैसे आपने वर्ड स्टोर किया, राइट? तो ये क्या हो सकता है, ये बाइट हो सकता है, एक इंटीजर हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, ये डबल हो सकता है, और ये बुलियन हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर मैंने यहां पे कर दिया 1.5, क्या होगा? ये सिर्फ डबल होगा। डबल क्योंकि डबल
बाइक जो है ये 255 तक की कलेक्ट 255 तक का डेटा को ये स्टोर करता है। इसको हम लोग कास्टिंग ऑफ डेटा कहते हैं, ये डेटा के कास्ट है मतलब जाती है। तो बाइक 255 तक का नेगेटिव नहीं, डेसिमल्स नहीं, इंटीजर 37,000 समथिंग को करता है माइनस एंड प्लस दोनों में बट डेसिमल नहीं। ये 37,000 ज्यादा एक करोड़ों में करता है, इसका एग्जैक्ट हाईएस्ट लोकेशन पता नहीं, लेकिन हाँ देखिए डेसिमल इंटीजर से ज्यादा होता है और डबल से कम होता है। और लॉन्ग जो है हमारा, डबल जो है हमारा, ये सबसे बड़ा होता है और जिसमें डेसिमल भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन इन द कंप्यूटर या एक्सेल ले लो या एक्सेस ले लो, किसी भी एप्लीकेशन को ले लो, वो 15 डिजिट से ज्यादा डेटा स्टोर नहीं करता है इन द नंबर। व्हाई? क्योंकि 15 डिजिट जो है हमारा कंप्यूटर की कैलकुलेशन की हाईएस्ट कैपेसिटी है, इससे ज्यादा की कैलकुलेशंस के लिए सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं, हमारा जनरल पीसी नहीं कर पाता है। ठीक है, और जो बुलियन है उसमें हम सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स स्टोर करते हैं और डेट के अंदर में हम सिर्फ डेट इंस्टॉल करते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द नंबर, कि नंबर में क्या होता है। अब बात करते हैं टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में ये सारा डाल सकते हैं और इसका अपना भी टेक्स्ट स्ट्रिंग, जिसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, कैर स्ट्रिंग जो भी कहिए, इसको हम कैर भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे डेटा जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होना है, दैट कॉल्ड टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी अदर, जैसे कि ग्राफिकल या किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट जैसे पिक्चर वगैरह को ऑब्जेक्ट कहें, फाइल्स को ऑब्जेक्ट कहें। तो अब डेटाबेस डिक्लेयर करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो फील्ड हम जनरेट कर रहे हैं, हमने नेम का फील्ड जनरेट किया तो इट कॉल्स टेक्स्ट, एक टेक्स्ट में जाएगा और टेक्स्ट की कितनी कैपेसिटी डिक्लेयर करना है। समझे? जैसे कि हम एक फॉर्मेट डेटाबेस के बनाएंगे, इसलिए एक सीरियल नंबर होगा, दूसरे कॉलम में नेम होगा, ठीक है, दूसरे कॉलम में क्या होगा, नेम होगा। तो हमें इस चीज को जानना पड़ेगा कि जो नेम है, ये नेम कितने डिजिट का हो, ये भी कितने डिजिट तक का हो सकता है। सिर्फ एक ही बात नहीं कर रहा हूं, हाईएस्ट। तो उसके हिसाब से हम एक्सेस के टेबल बनाते समय समझना पड़ेगा कि हाँ इसमें जो है 25 तक रखना है या 100 रखना है और उससे ज्यादा। उसी तरीके से अब यहां पे मान लीजिए कि मोबाइल नंबर लेते हैं, ठीक, राइट। तो आपने सोचा कि मोबाइल नंबर नंबर है, तो आपने इसको नंबर की कैटेगरी में डाल दिया, लॉन्ग कैटेगरी में। लेकिन डेटाबेस की सिस्टम कहता है कि हमें नंबर की कैटेगरी में उसी को डालना है जो नॉन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को रिजर्व करता है। समझे? कि ऐसा डेटा जिसमें किसी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होनी है। तो मोबाइल नंबर में किसी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होनी है। तो जनरली जो डेटाबेस को अच्छी तरीके से जानते हैं, जो डेटाबेस पे एक्सपर्ट होंगे, वो मोबाइल को टेक्स्ट कैटेगरी में डाल। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होगा, अब दोनों डेटाबेस में मैच करेंगे तो मोबाइल नंबर आपका मैच नहीं करेगा। क्यों? इसको नॉट इट नंबर, क्योंकि यहां पे नंबर है और यहां पे टेक्स्ट, लेकिन दोनों फिगर एक ही जैसा है। आप आंखों से देखेंगे तो दोनों एक ही हो,
लेकिन कंप्यूटर क्या कर रहा है कि इसको नंबर की कैटेगरी में रख रहा है, नंबर की जाति में रख रहा है और इसको टेक्स्ट की जाति में रख रहा है, तो आप इसको आपस में मैच नहीं कर अंडरस्टैंड। यस तो इसलिए डेटाबेस बनाते समय जानना चाहिए कि हमें, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे परसेंटेज डाल दी, राइट? तो आप उसका परसेंटेज नंबर है तो आपने इंटीजर या लॉन्ग ले लिया, लेकिन आपको क्या पता कि परसेंटेज जो है डेसिमल में होता है, तो आप याद है यहाँ परसेंटेज डेसिमल होता है तो आपने डेसिमल ले लिया। अब आपने यहाँ पे दूसरे कॉलम में टैक्स निकाला, ठीक है? आप बोला कि यार टैक्स तो नंबर है, तो आपने इसको इसके नंबर में से इसमें लॉन्ग इंटीजर इसकी कैटेगरी में डाल दिया। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर आप किसी का परसेंटेज निकालते, जैसे मान लीजिए आपने 120 रुपये, 122 रुपये का 10% या 12% निकाला, तो डेसिमल में आएगा ना, क्या सर? क्या हुआ? मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने 122 रुपए का 12% निकालते हो तो उसका रिजल्ट तो डेसिमल में आएगा ना। हाँ, डेसिमल में ही आए। तो अगर आप किसी के टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो डेसिमल में आना स्वाभाविक है। तो आपने आपने ये चीज को नहीं सोचा, आप उसको उसको आपने लॉन्ग में डाल दिया, तो लॉन्ग क्या करेगा, कन्वर्ट कर। तो डेटाबेस मान लीजिए कि 0.10, 0.50 अगर हर डेटाबेस में अगर नोड होते रहे, तो अगर 1 लाख या 10 लाख रो ऑफ डेटाबेस में कितने हरे लगा हो, काफी ज्यादा हो जाएगा ना क्या? तो फर्क पड़ जाएगा आपकी टोटलिंग में, आपकी कैलकुलेशंस में, बाकी सारी चीजों। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहां पे जो डेटा स्टोर होगा वो कैलकुलेट किससे कैलकुलेट हो रहा है, तो कैलकुलेशन का रिजल्ट क्या आ सकता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। समझे? ठीक उसी हिसाब से उसकी कैटेगरी में डालें। अब बात करते हैं सीरियल नंबर। हर डिपार्टमेंट का जो अपना अपना एक सीरियल नंबर होता है, अपना अपना डेटा का एक यूनिक आईडी होता है। अगर एचआर की बात करें तो एचआर वालों के पास क्या होता है, है। आईडी एम्प्लॉय आईडी से यूनिक नंबर, हाँ इसके पास कस्टमर्स के पास सेल्स आईडी, पर इसकी सेल्स के पास सेल्स आईडी, रिलेशनशिप के पास कस्टमर आईडी, अकाउंट के पास ट्रांजेक्शन आईडी। अब एक बैंक को ही लीजिए, ठीक है ना? अब बैंक हाँ में आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको अकाउंट नंबर मिलता है, राइट? यस अगर किसी को पता चल करना हो कि इस अकाउंट को किसने खोला है, तो हाउ कैन ट्रेस? अकाउंट थ्रू अब बैंक स्टेट बैंक को ले लिए, अब स्टेट बैंक के पास करोड़ों से भी ज्यादा, आई थिंक 50 करोड़ से ऊपर कस्टमर होंगे और लाखों ब्रांचेज हैं। अब एक कस्टमर का एक ब्रांच में सैकड़ों एम्प्लॉई है। अब एक अकाउंट नंबर मान लीजिए कहीं पे फ्रॉड हुआ और एक अकाउंट नंबर आया कि ट्रेस दिस अकाउंट नंबर के बी ऊपर तो ओपनिंग दिस अकाउंट, कस्टमर के डिटेल्स तो अकाउंट नंबर डाल के मिल जाएगी, बट हमें पता करना है कि इस कस्टमर का अकाउंट बैंक के किस ऑफिसर ने खोला है। क्या हाउ कैन ट्रेस, कैसे ट्रेस करेंगे आप? चलिए अपने आपको स्पाई मान लीजिए, ठीक है? हाँ बोलिए। अपने आप को स्पाई मानिए और मुझे बताइए कि कैसे आज ट्रेस करेंगे आप। चलिए तो कभी कोई यूनिक आईडी ही रहेगा एजेंट का। आप कभी बैंक में कैश जमा करने गए हैं आप? हाँ
तो कैश जब पर्ची पे जमा करके स्टाम्प लगाता है तो अपने पास जो पर्ची रखता है उस पे एक नंबर लिखता है, हाँ एक नंबर लिखते हैं। वो क्या होता है? उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन आईडी। हाँ तो जैसे अकाउंट ओपन होता है तो एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता अच्छा है, समझे? तो अगर कस्टमर डेटाबेस की में जाएगा तो कस्टमर डेटाबेस में कस्टमर यूनिक आईडी नहीं होगा, सेकेंडरी यूनिक आईडी होगा, प्राइमरी यूनिक आईडी होगा ट्रांजेक्शन नंबर। अब उस ट्रांजेक्शन नंबर से हमें पता चल जाएगा कि किस पर्सन ने इस अकाउंट को ओपन किया है। जो ट्रांजेक्शन नंबर जो सर्च करेंगे तो जनरेट होगा। जैसे कि आप लोगों का पैसा अगर आप लोगों को जमा होता है या पैसा ऑनलाइन बैंकिंग से आप देते हैं तो आपके पास एक यूटीआर नंबर आता है, हाँ यूनिक ट्रांजेक्शन रजिस्टर नंबर बोलते हैं। तो मैं यही समझा रहा हूं कि चाहे जो भी डेटाबेस हो, अलग एक अलग अलग कंपनी के अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग यूनिक आईडी होता है। एक प्राइमरी यूनिक आईडी होता है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी इज अ प्राइमरी यूनिक आईडी। लेकिन यूनिक आईडी आप एम्प्लॉय कोड बन गया तो इस एम्प्लॉय कोड को सैलरी जो मिलता है उसकी अकाउंटेंट के पास, उसके पास सैलरी की जो भेजने की आईडी होगी वो अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि जब तक दो डेटाबेस के बीच में रिलेशन तभी होगा जब उसके पास कोई यूनिक आईडी होगा। यस इसलिए हर एक डेटा में यूनिक आईडी होता है। तो अगर आप मान लो किसी का डेटाबेस बना रहे हैं तो फिर भी आप एक यूनिक आईडी जरूर बनाएं ताकि आपको उससे रिलेशन रिलेशनशिप बनकर में क्रिएट में मदद मिले, इस चीज का ध्यान रखें। ऐसे एक्सेस में ऑटोमेटिक बनता है लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे महानुभाव हैं जो कि उसको डिलीट कर देते हैं। तो यूनिक आईडी होना जरूरी। अब डेटाबेस कैसे बनता है? डेटाबेस को बनाने के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, इस चीज का ध्यान रखें। प्लानिंग क्या प्लानिंग होता है? जब भी आप डेटाबेस बनाए तो डेटाबेस में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करें। एक ज्यादा इंफॉर्मेशन इसलिए कि मान लीजिए कि आपने अपने कंपनी में एक डेटाबेस बनाया जिसमें आपने कस्टमर का नेम लिखा, रेफरेंसेस का नेम और नंबर लिख लिया, पर रेफरेंसेस का एड्रेस आपने नहीं लिखा। बाद में अगर रेफरेंसेस का एड्रेस लिखने के लिए आपको एड्रेस के लिए बात हुई, भाई ये रेफरेंसेस एड्रेस होना चाहिए, आपने लाख डेटाबेस एंट्री करवा लिया है तो फिर लाखों डेटाबेस में एड्रेस इनपुट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब भी डेटाबेस की प्लानिंग करें तो उसमें ज्यादा से ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करें, अनयूजलेस इंफॉर्मेशन भी नहीं डालना। क्यों? यूजफुल इनपुट हाँ क्यों? क्योंकि अगर अनयूजुअल मतलब कि जिसकी यूज के कोई चांसेस नहीं है। अब मान लो कि रेफरेंसेस के फादर नेम, हमें रेफरेंसेस की फादर नेम से क्या मतलब? हमें तो कस्टमर का फादर नेम चाहिए ना, हाँ या फिर गारंटर का फादर नेम चाहिए। रेफरेंसेस जो इंट्रोड्यूसर है, इसको इंट्रोड्यूस किया है, रेफरेंस दिया है, उसका फादर नेम लिखने का जरूरत। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा जरूरत का डेटा है, कौन सा जरूरत का नहीं है, उसी डेटा को स्टोर करें, समझ गए? अब बात करते हैं सिंपलाइजेशन ऑफ द डेटा। मतलब कि आपके पास दो टेबल है, एक टेबल है आपका सेल्स का, ठीक है, ओके कि एक टेबल आपके पास सेल्स का है। सॉरी क्या हो रहा है, माफ कीजिएगा, कि एक टेबल है सेल्स का ओके और दूसरा टेबल है कस्टमर रिलेशन, कस्टमर डेटाबेस। अब सेल्स में कस्टमर की आईडी हम डाल दें तो
बाकी डिटेल लाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि बाकी डिटेल तो यहां पे डाला हुआ है, क्योंकि सेल्स में एक कस्टमर महीने में 100 बार ऑर्डर देता है। तो अगर बोले क्या बात है दोबारा, क्या जरूरत है, डाल देते हैं दोबारा से। एक बार की बात होगी तो डलवाल होगी, लेकिन महीने में 100 ट्रांजेक्शन में 100 बार कस्टमर की डिटेल लानी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपका डेटाबेस एक तो हेवी हो जाएगा, दूसरा आपका मैन पावर लॉस्ट होगा। तो जब कस्टमर का डेटाबेस मेंटेन अलग हो रहा है, तो हम कस्टमर की आईडी लेंगे, जो हमें कस्टमर की बाकी डिटेल होगा हम उससे लिंक कर लेंगे, हाँ समझे? इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सिंपलाइजेशन ऑफ द डेटा, कि आप एक ही डेटाबेस में अलग ना डाल के अलग अलग डाल। जैसे कि आपको मान लीजिए कि एड्रेस में आपको पिन नंबर डालना पड़ता है, ठीक है, और आप देख रहे हो कि 1 करोड़ डेटाबेस में एक पिन नंबर को हमें हजारों बार लिखना पड़ता है। तो हम क्यों ना हम पिन नंबर डिटेल और बाकी जो एड्रेस एड्रेस है, जैसे कि आप किसी का एड्रेस लिखते हो तो पिन नंबर लिखते हो, तो पिन नंबर लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट, क्या बोलते हैं उसको, स्टेट। ये तो सेम होता है, पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट सेम ही होता है ना। हाँ तो कहने का मतलब ये है, तो अगर मुझे अगर पिन नंबर में डाल दूं तो बाकी डिस्ट्रिक्ट स्टेट और पोस्ट ऑफिस तो हमें मिल जाएंगे हाँ मिल जाएंगे। एक डेटाबेस से। इतना टाइम तो देते हैं कि कितने बचेगा हमारा। तो वही हमें देखना होता है कि कौन से इंफॉर्मेशन को रिपीटेड टाइम पे डाला जा रहा है, और वो इंफॉर्मेशन एक लिस्ट ऑफ है, समझे? जैसे कि कोई सेल्स कर रहा है तो हमारे सेल्स ऑफिसर, अब सेल्स ऑफिसर तो लिस्टेड है ना हमारे पास, तो हाँ सेल्स ऑफिसर की हम जस्ट यहाँ पे आईडी लिखेंगे, बाकी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं। सिर्फ सेल्स का आईडी लिखेंगे और बाकी सेल्स की आईडी के बिहाफ पे बुकिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ से आएगी, समझे? तो हाँ इसलिए जब डेटाबेस डिजाइन करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन लिस्ट ऑफ है और डेटाबेस में मल्टीपल टाइम एंट्री कर। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको कि आपका टाइम काफी बचेगा, और आगे चल के, क्योंकि एक बार इसका स्ट्रक्चर जितना अच्छा डिजाइन करेंगे आपकी वर्क जो है इतना ही अच्छा तरीके से बढ़ेगा, ठीक है? हाँ अब सरकारी ऑफिसर की तरह नहीं कि एक ही इंफॉर्मेशन को हर जगह पे डालते जाते नहीं, ना। जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो और आपने 10 फॉर्म भरने हैं तो 10 बार 10 डिटेल लाने पड़े। जैसे मान लो कि बैंक का ही हम लेते हैं, अब मान लीजिए कि बैंक में अगर मुझे एटीएम कार्ड डालना है, एटीएम कार्ड रिक्वेस्ट डालना है, हमें बैंक में पिन चेंज रिक्वेस्ट डालना है, जो भी रिक्वेस्ट हम डालना है उसको हर पे एड्रेस जरूर होता है। अब सिंपल सी बात ये है कि हम एक बार तो हमारे खाते में एड्रेस है, और मैंने यहाँ पे गलत एड्रेस डाल दिया था, क्या आप गलत पते पे थोड़ी तो भेजोगे? वो फॉर्म का एड्रेस कोई देखता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रिंट होते हैं आपके लिए, जो रिक्वेस्ट प्रिंट होता है और जो रिक्वेस्ट बाय पोस्ट आता है, उसकी प्रिंटिंग जो है बाय डिफॉल्ट होती है। जो आपके अकाउंट ओपन करते समय आपने जो प्रूफ दिया था, या फिर जब आपने एड्रेस चेंज करवाया था उस समय जो प्रूफ दिया, उसी पे आया। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कस्टमर के लिए डालना पड़ता है, खानापूर्ति के लिए हर एक फॉर्म पे। अब एक अकाउंट आपके पास, एक सेविंग अकाउंट एक है, अगर आपने रेकरिंग अकाउंट खुलवाया, अगर आपने एफडी खुलवाया, तो हर जगह पे वो सारे रिकॉर्ड देने पड़ेंगे, देने पड़ते हैं ना। लेकिन वहां पे जस्ट नीड द कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी नीड हो जाएगी तो बाकी इंफॉर्मेशन तो सिस्टम दे ही देगा। तो हाँ इतना सारी फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत बराबर प्रोसीजर? फॉर्म को भरना, फॉर्म की टाइप करना, सब चीज करना काफी लंबा प्रोसेस चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब डेटाबेस डिजाइन हुआ तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नहीं समझा कि लिस्ट ऑफ आइटम
और रिपीटेड आइटम कौन सा आइटम लिस्टेड है, कहाँ कहाँ रिपीटेड होने वाला है, इसलिए समझे। हाँ तो आप जो डेटाबेस डिजाइन करो तो इस सब चीजों पे ध्यान रखो कि आपके मैन पावर बेस्ड ना हो, ओके उसे मैन पावर ही बेस्ड नहीं होता, आपका डेटा की लार्ज कैपेसिटी में लार्ज साइज भी बढ़ जाता है, इस कारण से फिर उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, समझ गए। अब हाँ आपको क्या करना है, अब आपको अभी जो है ना पूरे दिन थ्योरिकली पार्ट पढ़ना है, अब मैं आपको तकरीबन तीन डेटाबेस बनाने, तीन डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलना, उसको आप पेन कॉपी पे रख करके और फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। पहला है वो है स्कूल डेटाबेस, हाँ कि एक स्कूल अगर आप खुद एक स्कूल के ऑनर हो और स्कूल रन कर रहे हो और उसकी डेटाबेस आप बनवाना चाहते हो तो क्या क्या आप बनवाओगे। दूसरा एक शॉपकीपर हुआ, ठीक है, और अपने दुकान को मैनेज करने के लिए आप क्या डेटाबेस बनवाना चाहते हो तो क्या डेटाबेस बनवाओ, राइट। तीसरा कि आप एक हॉस्पिटल रन कर रहे हो, पकड़ो ठीक है सर, यार एक हॉस्पिटल रन कर रहे हो तो उसमें क्या, उस हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए क्या डेटाबेस चाहिए। एंड चौथा ये आपका स्कूल हो गया, शॉपकीपिंग हो गई एंड हॉस्पिटल हो गया, राइट। हाँ और उसके बाद हम आपको बोलते हैं कि आप एक पार्लर रन कर रहे हो, ब्यूटी पार्लर होता है ना, तो हाँ आपके वाइफ भी इसमें मदद कर देगी आपको। ब्यूटी पार्लर का डेटाबेस कैसा होना चाहिए। एंड द लास्ट, इन द लास्ट, कि आप किसी भी कंपनी के एचआर में हैं, ठीक है, और एचआर के लिए आप डेटाबेस मेंटेन कर, उसकी डेटाबेस में कितने टेबल होंगे, कितने फॉर्म होंगे, कितने रिपोर्ट्स होंगे और उनकी हेडिंग हाँ क्या होगी और उसके अंदर स्टोर होगा डेटा का टाइप क्या होगा, ये मुझे आप बना के भेजिए। इसमें एक्सेस पे नहीं बनाना है आपको, इसको बनाना है आपको एक प्लेन पेपर और विथ स्क्रीन और फोटो खींचना है और व्हाट्सएप पे मुझे भेजना है, ओके समझ गए। हाँ इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। जब भी आप डेटाबेस करते हैं ना, सबसे पहले उसका हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना ताकि डेटाबेस बनाते समय कुछ चीज छूट ना जाए। ये मान लीजिए कि आपने एक टेबल से दूसरे टेबल डिलीशन कर दिया और उसके बाद पता चला कि यार इसमें एक कॉलम मिसिंग था, इसलिए नहीं होना चाहिए, तब क्या करना पड़ेगा कि आप दोनों जगह आपको चेंज करना पड़ जाए। ओके इसलिए पहले हम ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उसके बाद डेटाबेस तैयार करेंगे। एक सिंपल सा डेटाबेस लेता हूं, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि आपको एक्सेस में डेटा को सेग्रीगेट करना है, ठीक है, हाँ और लेकिन अगर आप मेक टेबल करते हो, कि अगर मेक टेबल करते हो तो उसका दिक्कत ये होता है कि उसी में आपका बन जाता है, जिससे आपकी फाइल की साइज बढ़ जाती है, राइट। हाँ और जैसे उसका कि लिमिट खत्म हो जाता है, जो कि हाँ 2 GB तक की एक्सेस में लिमिट रहते हैं। तो मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने नेम यहां पे लिखा और यहां पे मैंने मान लिया कि हमने मंथ लिख दिया, इसलिए डेटा को सही रहेगा कि मैं एक्सेल से उठाऊं, जल्दी हो जाएगा। अब हाँ उठा लेते हैं। नहीं तो मैं मेरे इधर ही वो फाइल ओपन कर दूं क्या? नहीं, 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 मैं अपने हिसाब से समझा देता हूँ ना, फिर आपके फाइल में समझना पड़ेगा। मेरा एक रूल है कि हम आपके फाइल पे नहीं काम करेंगे, हम आपके कंसेप्ट को समझाएं, ओके कंसेप्ट समझ के आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस चीज को कभी आप भूलेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा।
ओके सर, और मैं आपकी फाइल पे काम कर दिया तो नकल हो जाएगी, तो नकल पे फिर दिक्कत हो जाएगी कि आप फिर भूल जाएंगे। तो मैंने आपकी कंसेप्ट जो था वो कंसेप्ट मैंने समझ लिया कि कंसेप्ट क्या है, और फिर मैं उसको अपने एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। तो आपने उसको समझा, कंसेप्ट को समझा, फिर आप अपने एग्जाम्पल पे वर्क करोगे तो उसको सही तरीके से मैनेज करोगे, समझे। क्वेश्चन सॉल्व हाँ करना नहीं सीखना है, हमें सीखना है फॉर्मूला। एक मैथमेटिक भी फॉर्मूला अगर सीख लेते हो तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सीख लो, समझ गए। हाँ तो इसमें 3 महीना ही ना, एक काम करता हूँ मैं 12 महीना का बना देता हूँ, ठीक है, आपने हिसाब से अलग कर। कॉपी किया और इस पे हम पेस्ट कर देते हैं। सिट 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 सिट, एक छोटा सा दिक्कत हो गया, दिक्कत हो गया। एक कि जब भी हम एक्सेल में एक्सेल से डेटा उठाते हैं ना, पहला कॉलम छोड़ देता है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा। कॉपी पेस्ट करोगे ना तो आपको पहला कॉलम छोड़ देता है। आप हमेशा एक ब्लैंक कॉलम, एक ब्लैंक कॉलम लेके चले तो क्या होगा, बायर नेम। गया, ओके, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ क्रिएट क्यूरी डिजाइन के लिए, हमने ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ पे ओवरऑल सारे चाहिए, और यहाँ पे हमने मंथ को सेलेक्ट कर लिया। तो हाँ मंथ के में यहाँ पे क्राइटेरिया है, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है। जैसे क्यूरी ऑन ओपन करेंगे उसे पूछेगा पैरामीटर्स, हाँ मैंने यहाँ पे जैन डाल दिया, ओके हाँ बेटा कुछ जैन, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट डेटा जाते हैं, अब एक्सट्रैक्ट टू एक्सेस, कौन सा डॉक्यूमेंट पे क्या नाम होना चाहिए, तो मैंने बोला यहाँ पे जैन होना चाहिए, ठीक है। हाँ एंड एस्ट्रेक ऐसा नहीं होता है ना, तो एक काम और भी कर सकते हैं कि आप एक नया ब्लैंक, क्योंकि मेरा सीट दो विंडो दोनों टाइप है ना, इसका एक्सेस नहीं देता है, बार बार प्रॉब्लम करता है। आप क्या करें, एक ब्लैंक डेटाबेस लिया, हमें इसमें जैन का डेटा चाहिए, राइट। तो सीधे मैं हाँ यहाँ पे जाऊंगा एक्सटर्नल डेटा सोर्स में, और यहाँ इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल फ्रॉम डेटाबेस एक्सेस डेटाबेस, और हम ब्राउज करेंगे इससे डेटाबेस कौन सा, टू था या वन था, वन टू ये तो है इतना। अब इसमें दो चीज आता है कि जैसे आपको इंपोर्ट करना है या लिंक करना है, जैसा सुटेबल ना इम्पोर्ट हो। इंपोर्ट इस कॉपी पेस्ट कर देगा, और लिंक क्या करेगा, उससे लिंक कर देगा, वहां चेंज होगा तो यहां भी चेंज। हाँ, तो वो वहां पे चेंज हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वहां पे 2 GB तक डेटा आ चुका है, इसके लिए पूरा अलग ही करना पड़ेगा। हाँ तो हमने क्यूरी क्यूरी वन एंड ओके, अब जैसे कि क्यूरी वन पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर पैरामीटर पूछ रहा है, यहाँ पे आप जैन सेलेक्ट करें, ठीक है। क्या जाता है करें,
टेबल में डेटाबेस देखिए एक बार। टेबल तो ब्लैंक है। ओके, यहाँ से पैरामीटर नहीं ले रहा है, पैरामीटर जो है यहाँ से नहीं ले रहा है, पैरामीटर वहीं पे जाके सेट करना पड़ेगा, ऐसे एक से नहीं करना पड़ेगा, आपको कई सारे इस तरह से करने पड़ेंगे। मैं सोचा कि एक से हो जाएगा, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, क्रिएट। और यहाँ आप इसकी क्वेरी विजार्ड में चले जाए, डिजाइन क्वेरी में, सो टेबल अब मैं इंपोर्ट करूंगा तो जैन का डेटा आ जाएगा। ठीक है, उसके दूसरे और भी दूसरे तरीके भी है, एक वो तरीका भी आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए। यहां से आप कीजिए एक्सटर्नल import from database, database में browse database to ठीक। थोड़ा अपडेट नहीं हुआ अभी तक। ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट क्यों कर रहा है, एक मिनट दीजिएगा, ऐसी प्रॉब्लम बनी होती है, इतना छोटा सा काम के लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है।